खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ बाचा खान सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार का जन्म 6 फरवरी 1890 को पेशावर तत्कालीन ब्रिटिश भारत वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनके परदादा अब्दुल्ला खान बहुत ही सत्यवादी और जुझारू स्वभाव के थे। उनके पिता का नाम बैरम खान था जो शांत स्वभाव थे और ईश्वर भक्ति में लीन रहा करते थे। अपने पुत्र अब्दुल गफ्फार खान को शिक्षित बनाने के लिए मिशनरी स्कूल भेजा। पठानों ने उनका विरोध किया। मिशनरी स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे अलीगढ़ आ गए। गर्मी की छुट्टियों में समाज सेवा करना उनका मुख्य काम था। शिक्षा समाप्त कर वह देश सेवा में लग गए। बाचा खान ने 1912 में अपनी पहली पत्नी मेहरकंदा से शादी की। वह उत्मान जई के निकटवर्ती गांव रज्जर की मोहम्मद जई जनजाति के किनान खेल कबीले के यार मोहम्मद खान की बेटी थी। इन दोनों से 1913 में उनको एक बेटा हुआ अब्दुल गनी खान जो प्रसिद्ध कलाकार व कवि थे। एक बेटा अब्दुल वली खान और बेटी सरदारू का जन्म हुआ। 1918 में मेहरकंद की मृत्यु हो गई। राजनीतिक असंतुष्टों को बिना मुकदमा चलाए नज़रबंद करने की इजाज़त देने वाले रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में हुए आंदोलन के दौरान गफ्फार खान की मुलाकात गांधी से हुई और राजनीति में प्रवेश किया। 1920 में बाचा खान ने दूसरी शादी नवता से की जो उनकी पहली पत्नी की चचेरी बहन और रज्जर के सुल्तान मोहम्मद खान की बेटी थी। इससे उनकी एक बेटी मेहरताज और एक बेटा अब्दुल अली खान हुए। वर्ष 1926 में नम्बता की एरूसलम में उस अपार्टमेंट की सीढ़ियों में गिरने से मृत्यु हो गई जहां वह रह रहे थे। अगले वर्ष वह खिलाफत आंदोलन में शामिल हो गए जो तुर्की के सुल्तान के साथ भारतीय मुसलमानों के आध्यात्मिक संबंधों का प्रयासरत था। 1921 में वह अपने गृह प्रदेश पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश में खिलाफत कमेटी के जिला अध्यक्ष। 1929 में कांग्रेस पार्टी की एक सभा में शामिल होने के बाद गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक की स्थापना की और पख्तूनों के बीच लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया। विद्रोह के आरोप में उनकी पहली गिरफ्तारी 3 वर्ष के लिए उनको सजा भी हो गई। 1930 में सत्याग्रह आंदोलन करने पर वे पुनः जेल भेजे गए। उन्हें गुजरात उस समय पंजाब का भाग की जेल में भेजा गया। वहां पंजाब के अन्य बंदियों से उनका परिचय हुआ। उन्होंने जेल में सिख गुरुओं के ग्रंथ पढ़े गीता का अध्ययन किया। 1930 में गांधी इरविन समझौते के बाद अब्दुल गफ्फार खान को छोड़ दिया गया और वे सामाजिक कार्यों में लग गए। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के चुनाव जीते। वो उसके सदस्य बने। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त आंदोलन में वो गिरफ्तार किए गए। 1947 में वो छोड़ दिए गए। देश विभाजन के विरोधी गफ्फार खान ने पाकिस्तान में रहने का निश्चय किया जहां उन्होंने पख्तून अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा पाकिस्तान के भीतर स्वायत्त शासी पख्तूनिस्तान या पठानिस्तान के लिए लड़ाई जारी रखी। वह भारत के विभाजन से किसी भी प्रकार के सहमत नहीं थे। पाकिस्तान से उनकी विचारधारा सर्वथा भिन्न थी। पाकिस्तान के विरुद्ध स्वतंत्र पख्तूनिया आंदोलन आजीवन चलाते रहे। उनको अपने सिद्धांतों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। वह कई वर्षों तक पाकिस्तान की जेल में रहे। उसके बाद उन्हें अफगानिस्तान में राजनीतिक शरण लेनी पड़ी। सीमांत गांधी का संस्मरण ग्रंथ माई लाइफ एंड स्ट्रगल 1969 में प्रकाशित हुआ। 1970 से 1972 तक वे भारत भर में घूमे। 1972 में वे पाकिस्तान लौटे। 1985 के कांग्रेस शताब्दी समारोह में वे शामिल हुए। वे इस समारोह के प्रमुख आकर्षण थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1987 में भारत सरकार की ओर से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह प्रथम विदेशी व्यक्ति थे जिनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 1988 में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें पेशावर में उनके घर में नज़रबंद कर दिया। 20 जनवरी 1988 को उनकी मृत्यु पेशावर पाकिस्तान में हो गई। उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उन्हें जलालाबाद अफगानिस्तान में दफनाया गया।